फिर से स्वागत है आपका किसान मेला में। दोस्तों स्टॉल लगी हुई है स्प्रेमैन लुधियाना में, दूसरा एग्जीबिशन है जो कि अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया गया है। दोस्तों आज आपके लिए मैं दिखाने वाला हूं, पहले भी हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी चली थी, मैंने उसका जो टाइटल दिया था हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो हमारा अभी एक ट्रैक्टर चल रहा है स्वराज कोड, उसकी टक्कर में मैंने इस ट्रैक्टर को खड़ा किया था। तो दोस्तों मैंने एक बात और बोली थी कि अभी लगातार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं राशन, जो एग्रो इंजीनियर्स के ओनर है मनीष जी ने अभी दोबारा से इसमें कुछ नया चेंजेस किया है, और क्या ऐसा चेंजेस किया है जो हमारे किसान भाइयों को फायदेमंद होगा और जो स्वराज को ट्रैक्टर को टक्कर देने वाला है। तो मेरे किसान भाइयों वीडियो में लास्ट तक बनेगा, मेले का व्यू देख सकते हो, मेले में इन्होंने स्टॉल लगाई हुई है और मनीष जी से मिलने वाले, पूरी जानकारी लेने वाले कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस इसमें किए और हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या काम ये करने वाला है। तो मनीष जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार पुष्पिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी किसान भाइयों का यहाँ पे पधारने का बहुत ही अभिनंदन है। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाले ने जो करा है वो एक एंजॉय किया जाए और ज्यादा से ज्यादा, जैसे मेरे किसान भाई छतरी लेके घूम रहे हैं जी, के अंदर क्रियोस्टी है, बिल्कुल क्रियोस्टी को मद्देनजर रखते हुए इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं उस चीज को लेके आया हूँ जो के मेरे पूरे इंडिया की डिमांड है। किसान का क्या है कि हम लोगों को ये वाले टिलर बेचते हैं, 15 साल हो गए हैं, बट किसान की जरूरत ये है कि वो बोलता है कि ऐसा बनाओ जो मैं इसके ऊपर बैठ के काम कर सकूं ताकि मेरा मेरे को थकावट ना हो, क्योंकि लेबर जो वर्कर है वो आने वाले टाइम पे कम हो जाते होते जा रहे हैं, तो मैं ये काम खुद ही बड़ी आसानी से कर लूं। तो मनीष जी हमने पहले भी कहा था कि स्वराज कोड की टक्कर में, क्योंकि पावर टिलर तो दुनिया सेल कर रही है, लेकिन कंपनी बहुत सारी पावर टिलर जो सेल कर रही है, लेकिन आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है, तो ये क्या सोचकर आपने किया? कोई इतना दिमाग नहीं लगाता, आप क्यों लगाते हो इतना दिमाग? किसान भाइयों आज मेरे को 32 साल से भी ऊपर आपकी सेवा करते हुए हो गए हैं, मैंने कभी, भाई ने तो बोल दिया स्वराज कोड की टक्कर, मैंने कभी किसी से टक्कर नहीं ली है जी। मेरे अंदर जो चलता रहता है वो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसमें भी मैंने वही किया है कि मैंने एक छोटा सा मिनी ट्रैक्टर बना दिया है जो कि मेरा किसान भाई इसके अंदर ट्रॉली लगाकर अपने खेत से जो गेहूं चारा है जी, पशुओं का चारा वो ले आए, वो इसी के नीचे ये 40 ब्लेड की रोटावेटर लगाकर इससे जुताई करे, इसी के पीछे ये कल्टीवेटर लगाकर जो है इसकी जो कल्टीवेशन कर पाए। मनीष जी तो थोड़ा सा एक और मैं बात करूंगा आपसे, पिछली बार आपके में मैं जो स्टेयरिंग का प्रावधान तो आगे ही था, बट हमारे जो टायर्स मुड़ते थे वो पीछे से मुड़ते थे, तो आपने ये आगे कर दिए, तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया आपने? देखो पुष्पेंद्र जी ऐसा होता है जब आपने किसी पौड़ी के ऊपर कभी चढ़े ना हो, चढ़ते हो गिरते हो आपके घोड़े भी चल जाते हैं फिर आप चढ़ते हो, बिल्कुल वो मेरी कोशिश थी, हमने अपने दिमाग में जो आइडिया आया उसको बनाया, बट मैंने उसके साथ के ट्रैक्टर बेचे भी, बट मेरे किसान भाइयों का जो मेरे को सुझाव आया कि ये दिक्कत है मैंने उसको दूर करते हुए वही पावर जो पिछले टायरों में दे रहे थे वो पावर मैंने आगे ले आया हूँ। अब मेरे को ये स्टेयरिंग यहीं से मोड़ना है और यहीं से इसको मोड़ना है, आगे से ही जैसे बड़े ट्रैक्टर कटाई करते हैं वैसे ही करेगा, और एक उनकी डिमांड थी भाई आपने बड़ा सीधा सिंपल सा बना दिया है, अगर मेरे को इसके अंदर अंधेरे में कहीं जाना है तो इसमें लाइट नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे 100 ट्रैक्टर वाली लाइट दी है जो कि LED लाइट है, प्रॉपर मेरे किसान को जो वो लाइट का जो उसको जरूरत है उसको पूरा करेंगे। मनीष जी शायद अब मुझे लग रहा है आपने जब मुड़ने का प्रावधान आगे दे दिया तो अब शायद रोड पे भी हमारे किसान भाइयों को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पुष्पिंदर जी उसमें क्लच हमारा कहीं और था, इसमें मैंने ये इसको यहीं पे ले आया हूँ जी, इसको मेरा जो है नैनो क्लच, अब यहाँ पे आप पैर दबाओगे जहाँ पे आपका हाथ में रिवर्स गियर है जी, जहाँ पे आपका जैसे बड़े ट्रैक्टरों में गियर होते हैं जी 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 वो जहाँ पे, और जहाँ पे एक्सीलेटर है, मतलब एक कोशिश करी है कि हम लोग इसको एक छोटा सा मिनी ट्रैक्टर बना ले, आगे चल के मेरी R&D चल रही है इसके ऊपर, हम छतरी लगाने वाले हैं और आगे चल के मैं इसी के इस वीडियो को आगे लेके आगे
इसके आगे गेहूं काटने के लिए। अच्छा रीपर भी लग जाएगा अभी जो आपका, आपने बताया कि मैंने R&D कर ली है उसकी, तो रीपर चल जाएगा। पुष्पिंदर जी प्रोडक्ट मेरी फैक्ट्री में तैयार है। अच्छा अपना 4 बीघे का खेत गेहूं का लगा हुआ है जो कि ऑर्गेनिक है, अब मैं उसको काटूंगा, उसके काटने के बाद फिर मैं मेरे किसान भाइयों को, अगर मेरे कोई दिक्कत आई तो फिर वो खुलेगी मशीन, फिर वो जुड़ेगा रीपर, बट उसको मैं जो दूंगा अभी अगले सीजन में दूंगा। जी, अगर जी, किसी किसान भाई ने इसकी मेरे को फोटो मांगनी है तो मैं अभी दे सकता हूं कि मैंने रीपर जोड़ दिया है। अब सर बात करें, आपने जो यहां पर आपने कल्टीवेटर और रोटावेटर यहां पर लगेंगे, ठीक है जी, तो और टेलरों में मैंने देखा आगे होता है, लेकिन आपने पीछे क्या सोच कर किया है, इससे क्या बेनिफिट हमारे किसान भाइयों को मिलेगा? ऐसा है, अब आदमी मेरा किसान जहाँ पे बैठा है पूरी गेर बक्से का वजन जहाँ पे है, अगर मैं टिलर आगे दे दूंगा तो वो जमीन में लगे ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा, अभी मैं लगा दूंगा, मेरा हाइड्रोलिक पंप का भी दिमाग में चल रहा है क्योंकि रीपर को मैं हाइड्रोलिक से उठाऊंगा, तो अभी के लिए मैंने यही टायर निकाल के आपने ये रोटावेटर लगा देना है जहाँ पे मैंने हाइड्रोलिक कल्टीवेटर रेडी कर लिया है, आप हाइड्रोलिक दबाओगे तो कल्टीवेटर जमीन में धसेगा, और बहुत सी मेरे पास इसकी ट्रायल वीडियो जो मैंने अपने खेत के अंदर करी है वो मेरे पास है, अगर मेरा किसान भाई मेरे को कॉल करेगा, मेरे से पूछेगा, तो मैं उनको बड़े आराम से भेज सकता हूँ। अब बात करें इसमें जो गियर्स वगैरह टोटल दिए गए, कितने दिए गए सर? इसके अंदर पुष्पिंदर जी टोटल 3 गियर है, 2 गियर इसके फॉरवर्ड है, 1 गियर इसका रिवर्स है, और इतने गियर से ही इसका, इसके लिए अभी बहुत है, आगे चल के अगर मेरे को लगे कि किसान को 1 गियर और चाहिए तो मैं एक हाई गियर और देने वाला हूं। अब बात करें इंजन की क्वालिटी के बारे में, और इसमें जो इंजन का जो आपने दिया हुआ है शायद 10 HP का है, कितने HP का है इसमें सर? इसके अंदर इंजन अभी के लिए जो है 9.5 HP का है, इसमें पेट्रोल इंजन है, इसमें मैंने नॉर्मल अपने ही OEM से इंजन रेडी करवा के लगवाया है जी। अगला जो हमारा बन रहा है प्रोडक्ट वो होंडा के अंदर बन रहा है, होंडा का इंजन हम लगा कर देंगे मेरे किसान को। पहले शुरू में जब हम कोई चीज को लॉन्च करते हैं, अगर पहले ही मैं उसकी कीमत जो बहुत ज्यादा कर दूं तो वो किसान को लगेगा कि ये तो बहुत महंगा है, तो अभी के लिए हमने ट्रायल किया है, इसके ऊपर ही मैंने डीजल इंजन भी मंगवा रखे हैं, डीजल इंजन भी लगाऊंगा, इसी के ऊपर मैं 10 HP का होंडा का इंजन भी लगाऊंगा। तो अभी ये मॉडल हमारे किसान भाइयों को कितने कितने HP के इंजन पर जो है उपलब्ध हो जाएगा सर? मैं अभी जो मैंने इसके ट्रायल करे हैं वो 9.5 HP में जो इसकी क्षमता है जी, वो पूरा रिजल्ट दे रहा है, बाकी अगर मेरे किसान भाई को इसी के अंदर 12 HP का चाहिए तो मैं इसके अंदर 12 HP का इंजन दूंगा, अभी तक हमारी जो है कोशिश वो 12 HP तक की है। इसके साथ मेरा अगला जो ट्रायल है, हम लोग छोटा एक ट्रॉली स्प्रेयर बन गया है, वो 200 लीटर का जी, जी, वो इसके पीछे मैंने 400 लीटर का बना दिया है, इसकी पीटीओ से इसी के ऊपर HTP पंप लगाकर मैं इससे स्प्रे करवाऊंगा, वहां करवाऊंगा जो गन्ने के अंदर यहाँ पे बड़े ट्रैक्टर घुस नहीं पाते, वहां से इस पे स्प्रे करवाऊंगा। अब बात करें मनीष जी, अभी आपने सारा कुछ इसमें कर दिया है, अब जैसे मान के चलो हमारे किसान भाई की जो 50 तरीके के काम होते हैं खेती जी, के जी, जी, तो अभी मान के चलो वो घर से खेत में कुछ सामान लेके जाना चाहता है, या फिर खेत से घर पर जो गेहूं वगैरह हुए हैं उसके जी, और उसको ट्रॉली लगाने की आवश्यकता है। पुष्पिंदर जी यहाँ पे मैंने एक हुक दे दी है जी, ट्रॉली के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग हुक दे दी है, ट्रॉली इसकी रेडी है, क्योंकि हमारे पास जगह स्पेस हमें नहीं पता था कि इतनी जगह बच जाएगी, नहीं तो ट्रॉली भी मैं लेके आता जी, इसके अंदर मैंने ट्रॉली दे दी है जो कि 10 क्विंटल तक का गेहूं, 10 क्विंटल का तक का वजन, 15 क्विंटल तक भी मैंने लोड करके उबड़ खुबड़ रास्ते से लेके गया हूँ, तो ओके है, उस ट्रॉली को भी आप इसके पीछे लगाकर कहीं भी सामान ढोने के लेके जा सकते हो। तो अब भी हमारे किसान भाई इसमें रीपर चला सकते हैं। अब जैसे बात करें स्प्रे पंप, वाटर पंप या अदर हम कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इसमें लगाना चाहें, जो पीटीओ आपने दी हुई है, मैंने पुष्पिंदर जी ये देखो पीछे एक पीटीओ निकाल दी है जी, आप चाहते हो कि इसके पीछे मैंने वाटर पंप लगाना है वो लग जाएगा, वो हम पहले भी लगा रहे हैं, बिल्कुल अब भी लगा देंगे, आप चाहोगे इसके पीछे स्प्रे पंप लगाना है मैं लगा दूंगा, पहले भी लगा रहे हैं अब भी लगा दूंगा, तो वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत पुरानी है जो मैं कर चुका हूं। तो मेरे किसान भाइयों, मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट करने लगे हुए हैं, नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, आप देख सकते हो इनकी यहाँ पर लुधियाना
जो एग्जीबिशन है अभी सेकंड 2023 का, इसमें स्टॉल लगी हुई है। पहले कुछ अलग लुक था इसका, आज जो किसान की जरूरत को समझते हुए इन्होंने और लुक इसका चेंज कर दिया। अब मुझे लगता है कि ये जल्दी ही इसको स्वराज कोर से भी बेहतर इसको बना देंगे। दोस्तों सर बेहतर तो मेरे को मेरे किसानों ने बनाना है। जी जी, आप स्वराज कोर तो बहुत बड़ी कंपनी है, मिलियंस ऑफ उनके पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं। जी जी, मेरे इंजीनियर तो जो मेरा किसान है वही है। बिल्कुल, जो ग्राउंड लेवल से मैं खुद भी खेती करता हूँ, 4 बीघे का अपना खेत है, जो मैं ग्राउंड लेवल पे उसको चेक करता हूँ। जी देखो, मेरे हाथ पे कोई हाथ नहीं होगा जिसपे कोई टांका ना लगा हो, कोई उंगली कटी ना हो प्रेसों के अंदर आकर। जी जी जी, तो मेरा होता है कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ। और उसकी कीमत देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां बना के ले आती हैं, ये ट्रैक्टर 5 लाख का है, ये 4 लाख का है, वो किसान भाई उसको देखता ही रहता है, लेने का उसका दिल होता है कि इतने में तो पुराना ट्रैक्टर आ जाएगा यार, मैं इतने इस पे क्यों पैसे लगाऊं। तो इसलिए मैंने इसकी कीमत को भी, क्योंकि मेरी खुद की इंजीनियरिंग है, मेरी खुद की आर&डी है, मैंने कोई पैसा फालतू लगाया नहीं है। तो क्या कीमत रखी है सर आपने? देखो पुष्पेंद्र जी, हमारी कंपनी का, हमारे सभी बंदों का, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, जो मेरे को इस पे आर&डी पे जो हमने खर्चे करे हैं, वो अगर लगाऊं तो मैं इसकी कीमत आपको दे नहीं पाऊंगा। बट उन चीजों को छोड़ो, क्योंकि पिछली वीडियो एक हमने साने वाले एग्जीबिशन में शूट करी थी जो नॉर्मल था, मेरे भाई ने वो वीडियो लाखों लोगों ने पसंद करी है, और कम से कम हमने 80-90 ट्रैक्टर सेल भी करे, लगातार कंटिन्यू चल भी रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी मिलियंस के अंदर वो चल रही है वीडियो। तो मेरा मेरे किसान भाइयों को सहज होगा कि आप अपना प्यार मेरे को दिखाते रहिए, मेरे को एम्बिशन करते रहिए, तो मैं कीमत ज्यादा नहीं दूंगा। वैसे तो मेरा था कि मैं इसकी कीमत 1.5 लाख या 1,60,000 इतना लेके चलूंगा, बट मैं आज क्योंकि हमारा पहली लॉन्चिंग है एग्जीबिशन में, बिल्कुल, तो मैं अपने किसान भाई को पूरे हिंदुस्तान में चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलीगुड़ी से महाराष्ट्र पर मंगवाएगा उसके घर तक, विद GST बिल, विद ट्रांसपोर्टेशन, 1,30,000 के अंदर किसान के घर पे पहुंचाने वाला हूं। तो मेरे किसान भाइयों, आपने देखा होगा, यदि हम स्वराज कोर या कोई भी हम ट्रैक्टर खरीदें, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का बजट लगता है, लेकिन ये हमारे छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत ही कामगार ये मशीन साबित होने वाली है। मैंने एक किसान का रिव्यू किया था कि ये पावर टिलर आप क्यों खरीदते हो, तो मेरे किसान भाई ने कहा कि भाई हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि जो हम ट्रैक्टर खरीद लें। और उसके साथ साथ भी मनीष जी ये भी कहा था कि मैंने कहा चलो जमीन नहीं है तो किराए पे चला लेना। भाई साहब, जगह कहां से लाऊं, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। बिल्कुल, देखो पुष्पेंद्र जी, 90,000 का तो हम ये टिलर किसान को बेच रहे थे। जी जी जी, तो अगर 90,000 मेरा किसान उस पे लगाएगा तो मैं अगर उसको 30-40,000 पे ऊपर बैठा दूंगा, एक स्टेयरिंग वाला टिलर दे दूंगा, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं है। आपकी कृपा से और मेरे किसान भाइयों की कृपा से ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर धूम मचाने वाला प्रोडक्ट है। बिल्कुल, और आगे चल के और भी इसके अंदर जो भी आप सुझाव दोगे, आगे चल के मैं इसके ऊपर मड कवर लगाने वाला हूँ, हाइड्रोलिक पंप लगाने वाला हूँ। तो आप अपना प्यार देते रहिए, सहयोग लगातार नए नए चेंजेस करते रहेंगे। तो बात करें इसकी सब्सिडी वगैरह के बारे में, तो कुछ सब्सिडी वगैरह के लिए देखो, मैं अपने इस पॉइंट में मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि अभी इसकी मैंने आर&डी नहीं करी है। इसको हम टेस्टिंग करवाएंगे गवर्नमेंट की किसी लैब से, जब वो टेस्टिंग ओके हो जाएगी तब गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को, तब हम इसको सब्सिडी पे लेके आएंगे। अभी के लिए सब्सिडी मैं खुद से दे रहा हूँ ना, सब्सिडी आने के बाद, इतने खर्चे पड़ने के बाद, तो इसका प्राइस भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने वो खर्चे इसके अंदर कोई भी जोड़ा नहीं है। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूँ मनीष जी का, जो कि लुधियाना किसान मेले में अभी जो ये आप देख रहे हो फोर व्हील ड्राइव से भी बेहतर पावर टिलर इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो मेरे किसान भाइयों, यदि खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र जी को यही रोकता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल करिए, मेरे एग्जीक्यूटिव बैठे हैं जो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसकी खेत के अंदर की वीडियो देंगे। अगर आप खुद आना चाहो तो अभी मेरे एक 5 बीघे के अंदर आपकी कृपा से एक फैक्ट्री लुधियाना में लगा दी है, जो कि गिल स्टेशन के पास है। आप वहां पे आइए, 1.25 बीघा का खेत रेडी है, आप उसके अंदर इसको चलाइए, अच्छा लगे तो मेरे को सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। इतना कहता हुआ मैं अपने सभी किसान भाइयों से क्षमा मांगता हूँ, आपके टाइम देने के लिए आपके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।